वेलकम टू क्रिएशन टाइम्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजमा और जीरा चावल। मैंने राजमा को 4 से 5 घंटे सोख किया हुआ था और फिर नमक डाल करके उबाल लिया है। राजमा बनाने में हम दो तरह से मसाले मिक्स करेंगे। एक तो प्यूरी बनाएंगे, 2 हरी मिर्च, 4 से 6 कली लहसुन, अदरक और 4 टमाटर कट करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। प्यूरी बन करके तैयार हो चुकी है। गैस पर कढ़ाई चढ़ा करके ऑयल डालेंगे। 2 अनियन चॉप करके ऑयल में डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। राजमा में हाई क्वालिटी ऑफ आयरन होता है। प्याज पक करके तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे तेज पत्ते। धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची और टमाटर की प्यूरी। इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला पक कर के तैयार है। ऑयल मसाले से अलग हो रहा है। अब मैं इसमें राजमा मिक्स करूँगी। राजमा को करी के अलावा सलाद और सूप के रूप में भी ले सकते हैं। जो लोग वेट कंट्रोल करना चाहते हैं वो राजमा का सूप पिए तो उनके लिए बेहतर होगा। सारा मटेरियल मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है कुकर में और वेसल लगा दी है। जीरा राइस के लिए मैंने कढ़ाई में घी लेकर के जीरा चटकाया है। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। ये चावल मैंने धुल करके साफ़ कर लिए हैं। आज की हमारी टिप है, चावल बनाने से पहले लगभग 30 मिनट हम चावल को भिगो देंगे तो चावल के एक एक दाने खिल करके आ जाते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। चावल में पानी डाल करके ठीक से मिला दें और फिर एक प्लेट से ढक करके पकाएं। चावल बीच बीच में चेक करते रहें जिससे कि वो तली में ना लगें और जले ना। राजमा चावल लगभग हर उम्र के लोगों को पसंद आता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। राजमा में विसल आ गई है और मैं चावल भी चेक कर लूं। देखिए हमारे चावल जीरा चावल बन करके तैयार हो चुके हैं। और देखिए राजमा भी तैयार है। मैंने इसमें अब हरी धनिया पत्ती डाल दी है और 1 चम्मच गरम मसाला। इसे मैं मिक्स कर दूंगी और गर्मा गर्म राजमा चावल सर्व करेंगे। चावल के साथ पापड़ और अनियन हो जाए तो क्या स्वाद है। तो आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए और स्वस्थ रहिए। इसी आशा के साथ मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें, इसे शेयर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।